नमस्कार, वेलकम टू ओ म्यूजिक अगेन। आज हम ईडीएम सॉन्ग स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। एक ईडीएम सॉन्ग स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन, बिल्डअप एंड ड्रॉप सेशन क्या है। ईडीएम सॉन्ग स्ट्रक्चर जो आप पहले देख चुके हैं, जिसमें इंट्रो, ब्रेकडाउन, बिल्डअप, ड्रॉप, ब्रिज ड्रॉप और अंत में आउट्रो आता है। ईडीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक डांस है और ये सॉन्ग स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है और सॉन्ग स्ट्रक्चर से, और जो कोई थोड़ा बहुत मेल खाता है रैप सॉन्ग स्ट्रक्चर से। और सॉन्ग स्ट्रक्चर में वर्स और कोर्स का सेक्शन होता है, जिसमें मूल रूप से लिरिक्स लिखी जाती है। ईडीएम सॉन्ग में आपको लिरिक्स किसी किसी सॉन्ग में देखने को मिलेगी, क्योंकि एक म्यूजिक बेस्ड सॉन्ग होता है। अब आते हैं इंट्रो पर। ईडीएम सॉन्ग स्ट्रक्चर में इंस्ट्रूमेंट की धुनों से सॉन्ग की शुरुआत होती है, क्योंकि इसकी बेस लाइन ही इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड होती है। इंट्रो के बाद एक ब्रेकडाउन होता है, जहां प्रत्यक्षता की भावना पैदा करने के लिए ड्रम बंद हो जाते हैं। इंट्रो के बाद कुछ एलिमेंट हैं जो इस गाने में सुनाई देते हैं। जब ब्रेकडाउन होता है, वो एलिमेंट यहाँ पर स्लो हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आता है बिल्डअप। ईडीएम सॉन्ग में यहाँ पर ऊर्जा, एनर्जी बिल्ड होती है। बिल्डअप में सामान तकनीकों में बढ़ते पिच और रेसिंग परक्यूशन पार्ट शामिल होते हैं। अब आता है ड्रॉप। ये गाने का ऊर्जावान बिंदु है, वह हिस्सा है जो श्रोताओं को हिलाना चाहता है। यहाँ पर सुनने वाला जैसे कि पूरी एनर्जी फील करता है। बेसिकली ये सॉन्ग एनर्जी बेस्ड होता है, म्यूजिक बेस्ड होता है, जहाँ पर बिल्डअप एनर्जी और ड्रॉप, ये सॉन्ग इसी प्रकार से चलता है। और इसके अंदर ब्रिज भी होता है और अंत में आउट्रो भी आता है। ब्रिज और आउट्रो को मैं पहले ही आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो ईडीएम सॉन्ग स्ट्रक्चर को समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। म्यूजिक से रिलेटेड जानकारी के लिए प्लीज ओ म्यूजिक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।